यह खुशी की बात है कि बिहार में बोधगया बेनाले नाम से की एक द्विवार्षिकी आयोजन की पहल हुई है। विनय कुमार, कैनवस पत्रिका और बिहार के तमाम कलाकार, चाहे दिल्ली में हो या बिहार में हो, सब इस आयोजन को समर्थन दे रहे हैं। मेरा सिर्फ ये कहना है आयोजकों से, शुभकामना देते हुए भी, कि बिहार की मूल चेतना जो है वो एक प्रतिरोध की चेतना होती है, और दुनिया भर में जो फाइन आर्ट्स हैं, विजुअल आर्ट्स हैं, वो आम जनता के प्रतिरोध के स्वर को बुलंद करते रहे हैं। संयोग से बिहार में इस समय ऐसा माहौल है जहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, जो कि देश में कई जगहों पर नहीं है, तो इस आयोजन का उन्हें और इस अवसर का उन्हें लाभ उठाना चाहिए और इस कला द्विवार्षिकी को एक नियमित आयोजन के रूप में स्थापित करना चाहिए। इसमें हो सकता है सरकारें साथ आए ना आए, ये मैटर नहीं करता। बिहार में अपनी लोक कलाएं हैं, आधुनिक कला है, और पटना का कला महाविद्यालय काफ़ी प्रसिद्ध रहा है। एक ज़माने में पश्चिम में बिहार की मधुबनी पेंटिंग ने पूरी भारतीय कला को बचाया था, उसको गिरने से बचाया था, और उसका नया बाजार सृजित किया गया था। हमें चाहिए कि हम तमाम बिहार के जितने भी कलाकार बाहर हैं, इस देश में हैं, दुनिया में हैं, और बिहार के भीतर हैं, ये सब मिलजुल कर आपस में एक संवाद करें। और सिर्फ कलाकार ही नहीं, बिहार की परंपरा रही है कि वहाँ के सब बड़े लेखक, बड़े रंगकर्मी, बड़े सिनेमा के लोग, बड़े संस्कृतिकर्मी और विचारक सब कलाकारों के साथ मिलें और बैठें और यह विचार करें कि जो बिहार की कला है उसको हम कैसे देश और दुनिया के स्तर पर ले जा सकते हैं। मैं केवल बाजार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक ऐसे माहौल की बात कर रहा हूँ जिसमें कला कर्म संभव हो सके। हमारे देश में इस समय जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, उसमें ये खतरा पैदा हो गया है कि क्या आने वाले समय में कला कर्मियों के पास अभिव्यक्त की आज़ादी के अवसर होंगे कि नहीं होंगे, और इस समय बोधगया बेनाले का होना एक प्रतीकात्मक पहल भी हो सकती है, क्योंकि बोधगया, हम जानते हैं, इस भीषण हिंसा और युद्ध से ग्रस्त दुनिया में एक शांति का प्रतीक है। तो शांति, सृजन और लोगों के हक में न्याय की मांग करती हुई कला आज हमारी ज़रूरत है। बोधगया बेनाले कला के सृजन में एक ऐसा माहौल तैयार करने में मील का पत्थर साबित होगा जिसमें बिहार के जमीनी स्तर से जुड़े कलाकारों को सामने आने का मौका मिलेगा। मेरा सुझाव है कि इसको आगे चलकर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जिला स्तर पर छोटे छोटे कार्यशालाओं के माध्यम से इसको आयोजित किया जाए, और उसमें से स्टेट लेवल के जो लोग आगे आएँ उनको एक अवसर प्रदान किया जाए, और सब हमें मिलजुल कर इस आयोजन को सफल बनाना चाहिए, क्योंकि यह एक अभूतपूर्व शुरुआत होने जा रही है।